देखिए नमसी कितने प्यार से बोल रहा है, तो प्लीज इसकी बात जरूर मान लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक्चुअली आज अनमोल का बर्थडे है, रात में हमने केक कटाया था तो उसका व्लॉग भी मैं मतलब डाल चुकी हूँ, और जो इसमें अभी अब मॉर्निंग हो चुकी है तो मैंने सोचा कि खीर बना के रख देती हूँ, क्योंकि खीर तो ठंडी ठंडी अच्छी लगती है, अब बना के रख दूंगी तो शाम तक ठंडी हो जाएगी। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने लिया है 2.5 लीटर दूध था, और 2.5 लीटर दूध में मैंने ना सिर्फ छोटी सी इतनी सी स्मॉल सी कटोरी इसमें थोड़ी देर चावल भिगो के रखे थे, और फिर इसमें जब दूध में पूरा बॉयल हो गया, पूरा उबल गया, तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। और मैं जब से मतलब 1 घंटे से रखी हुई है, मैंने गैस बिल्कुल डिम कर रखी है, क्योंकि मंदी आज पर हम पकाते हैं ना तो वो मावे की तरह टेस्टी लगती है। और मैं आपको एक चीज़, मैंने गोला कस के रखा है ये इलायची, और इसमें मैंने बादाम थोड़े से पीट के मतलब पीस के, और एक किशमिश भिगो के रखी है। एक्चुअली मुझे ड्राई फ्रूट्स मुझे सिंपल अच्छी लगती है खीर, बट लेकिन और लोग भी खाएंगे तो मैं सोचा थोड़ा बहुत डाल देती हूँ। ये मैं इलायची अभी ऐड कर देती हूँ। इलायची हम खीर में डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और मुझे इलायची बहुत ज़्यादा पसंद है खीर में तो स्पेशली, और खीर तो मेरी फेवरेट है। और अगर आप खीर बनाते हो ना, आप उसे धीमी धीमी आंच पर बनाओ तो वो आपकी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मतलब ऐसी लगे कि आप सोचो कि बार बार खीर खाने को मिले। और इलायची और ये गोले का बरूदा, ये गोला एक्चुअली बरूदा मैंने देखा तो ख़त्म हो गया था, तो मैंने गोला कस लिया, इसका भी टेस्ट अच्छा आता है। मैं पहले डाल देती हूँ क्योंकि गोला थोड़ा टाइट होता है तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए मेरी खीर ना ये बनके रेडी हो गई है, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, चीनी भी डाल दी है, चीनी 2 कटोरी डाली है, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और मतलब खीर अब बना के थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो मैं फ्रिज में रख दूंगी। ये जो खीर है मैंने 2 घंटे पकाई है, 2 घंटे मान के चलो, मैंने 10 बजे रख दी थी, 12 बजे तक बनी है, और मैंने गैस को बिल्कुल भी तेज़ नहीं किया था। अब फाइनली बन चुकी है तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि 5 मिनट तेज आँच पे पका देती हूँ। अगर आप धीमी धीमी आँच पे बनाते हो ना, देखो खीर मतलब एक नंबर की बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। मैंने टेस्ट नहीं किया, पहले लड्डू जी को शिव जी को भोग लगा के फिर जरा सी टेस्ट करके देखूंगी कैसी बनी है। प्लेट में निकाल देती हूँ, ये छोटी सी प्लेट हमारे भगवान जी की। ये मैंने प्याज कट किए, और देखिए अभी मैंने मिक्सी में पीस रही हूँ, मुझे अभी पनीर की ग्रेवी रेडी करनी है। अब इसमें मैंने जीरा और जो पत्ता होता है तेज पत्ता बोलता है, जैसे तेज पत्ता ऐड करूँगी, और फिर उसके बाद मैंने प्याज की ग्रेवी रेडी करी है, प्याज की ग्रेवी डालूंगी। ये टमाटर के साथ मैंने 1 चम्मच बेसन भी ऐड किया है ग्रेवी। अब इसमें नमक मिर्च धनिया पाउडर और जो भी मतलब अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें डाल रही हूँ। ये है मैगी मसाले टाइप का। मैं सोच रही हूँ जब तक कि ग्रेवी पक रही है ना तो मैं तब तक नहा लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। मैंने ना गैस डिम कर दिया, अभी ये 10 से 15 मिनट तक पकेगी, क्योंकि मैंने गैस बिल्कुल डिम कर दिया। जितने डिम आज पर हम ग्रेवी को पकाते हैं ना उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी पूजा करने के बाद में। ये मैंने पूजा कर ली है और ग्रेवी अभी तक पकी नहीं है, तो मैंने गैस थोड़ी तेज़ कर ली, लेकिन आप देख सकते हो कलर कितना अच्छा आ रहा है। मतलब मैंने ना ये जो सनफ्लावर था ये मैंने यहाँ पे रख दिया अपने रूम में, साइकिल एक्चुअली ऊपर रखी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सी चीज़ें चेंज कर देती हूँ, मैंने फ्लावर्स आगे लगा दिए। वाला सावन ने जब मतलब पहली बार रोका हुआ था हमारा तो तब दिया था, उसने वैलेंटाइन डे था तो तब ये गया था, ये तब का है। देखो साइकिल कितनी अच्छी लग रही है, एक्चुअली उस पर फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे कोई बड़ा टैडी होता तो ज़्यादा और अच्छा लगता, इतना सा टैडी आता है। मटर मैंने भिगो के रख दिए, प्लस दूध भी मैं पनीर में ऐड करूँगी। ग्रेवी ना हमारी ऑलमोस्ट पक ही चुकी है, और देखो मैंने इसमें लहसुन अदरक कोई एक्स्ट्रा मसाला गरम मसाला कुछ ऐसा भी नहीं ऐड किया है, सिर्फ थोड़ा सा मैगी मसाला टाइप का मसाला रखा है वो मैंने डाला था। और अगर वो भी ना डालूँ तो फिर भी हमें ना अगर सब्जी टेस्टी चाहिए तो उसके लिए हम 4-5 टमाटर और 4-5 प्याज हो तो उसी से सब्जी टेस्टी अच्छी बन जाती है, जीरा हो, नॉर्मली इन चीज़ों से सब्जी अच्छी बन जाती है। ग्रेवी अच्छी बननी चाहिए सब्जी की। देखिए ग्रेवी मतलब वाटर बिल्कुल ख़त्म हो गया, देखो कलर आप देख सकते हो कलर कितना अच्छा है। और गाइस जिसे भी पनीर खाना हो वो आ जाइए, और देखो मैं आपको खीर दिखाती हूँ, खीर हमारी खीर खीर खीर
ओह माय गॉड, एक्चुअली ये ना बिल्कुल ठंडी हो गई है, मैंने दोपहर में फ्रिज में रखी थी, बिल्कुल ठंडी हो गई है। एक ये और एक दो भिगो ना, मतलब मैंने दोनों जगह डाल के रख दी है खीर, और इट्स माय फेवरेट। और जिसे भी खीर खानी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा। देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है, सो मैं इसमें मटर भी ऐड कर देती हूँ, ये मटर डाल देती हूँ। और देखिए मैंने इसमें दूध भी डाल दिया है, और मैं इसमें वाटर भी ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू यू। आप मतलब जैसा भी आपको जितनी पतली सब्जी चाहिए, जितनी पतली ग्रेवी चाहिए, उसी के हिसाब से ऐड कर सकते हो। देखिए इधर पनीर कट हो रहा है, ये पनीर के छोटे छोटे पीसीज हो गए, और थोड़ा सा मैं वैसे रख लूँगी कि जैसे ग्रेवी में ऐसे बचूर के ऐसे डाल देते हैं ना, थोड़ा सा पनीर है इसलिए रख लूँगी। ये देखिए पनीर का एक टुकड़ा फ्राई हो चुका है, कितनी अच्छी शेप आई है पनीर की। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना प्यारा कलर है, मतलब दूध डालने के बावजूद भी दूध तो व्हाइट कलर का होता है, देखो कितना प्यारा कलर आया है। और ये अभी मैंने पूरी बनाई है, और देखिए मम्मी जी ने सलाद काट रही है, और पसीने आए हुए मम्मी जी को बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। अरे नहीं खाने में मज़ा, अभी तो नहीं आता, छोटी छोटी पूरी जी कैसी बन रही है आंटी जी, स्वाद एक नंबर की। तो तू भी खाएगा, कितना भी खाएगा का। नमसी को देखो फना कितना कीड़ा है, फोन में लगा पड़ा मुंह देखे, पूरा सीरियस होगा। खीर कैसी लगी आंटी जी, खीर स्वाद बन रही, टेस्ट टेस्ट ये मुझे बोलता है कि मुझे देवर बोला करो, देवर बोलने के काम नहीं है। मैंने पूछा खाना कैसा बना है, तारीफ करने में इसकी क्या हो रही है। खाना बना है जी, काने के डाल पर एक भी उसमें बताओ ना गलत क्या था। टेस्टी बना है ये बोल, टेस्टी बना जी, एक नंबर का बना है ये बोल। राफ्टिंग बना, राफ्टिंग क्या हो, एक नंबर का हो, एक नंबर का ठीक है, ये ठीक है, एक देवर की कत्ता करोगी अभी बताओ। अरे ये बात वीडियो में नहीं जा, बता जी बता मुझे, ये बात नहीं जा, बता मैं जीव कहूँगी, जीव तो खुद, जीव मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो खुद बिना कहे तारीफ करेगा, तो मैं तब कहूँगी। अभी नमची खील को नहीं खा ला तू, पूरी पूरी खाएगा क्या, हमारी बात पूरी हुई बता दो जीव, तू बिना कहे तारीफ करेगा। हम तेरी आंखों में खून आ रहा, फोन चला चला के देख, देख दिखाऊं आ रहा है, एक घंटे से फोन चला रहा है ना, फोन चला रहा है ना एक घंटे से, देख के तो डर जाएगा, रेड रेड आईज हो रही है, रेड रेड हो रही है, बिल्कुल रेड रेड, हम नहीं दिखाएंगे, अब नीचे जाके शीशे में देखना, शीशे में देखना। मम्मी से बदस्ते के मम्मी, इसकी लाल आँख नहीं हो रही क्या, खून नहीं आ रहा क्या इसके आंखों में, जिसके अंकों में खून नहीं आ रहा क्या, देख। अरे नमसी तो बहुत स्मार्ट बॉय लगा था, रिपोर्टर लगे बिल्कुल है भाई नमसी, पर आँख खराब हो जाएगी, अंकू का चश्मा उल्टन डिस तो मेरे सिर में दर्द हो जाओ, मुझे चश्मा बुला के हाँ घूम जा, तार दे से उतार दे, आँख खराब हो जाएगी तेरी, ऐसे चश्मा नहीं पहनते, उनकी बीमारी आ गई है भाई। एक हमारी अब किट्टी भी आई, कौन आ गई, तो नवीन भैया आ गया, आपकी आपकी नवीन भैया आ गई का, नीचे है नीचे है, मैं सही बोली, मैं सही बोली, मैं कहा अनमोल नहीं, मैं उस सूट की बात नहीं करती, किसी सरिता को बोलूंगी कि सुन लेना, मैंने ये अनमोल ही लिखा था मुझे, मैं अनमोल नहीं कराया यू, नो 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 करेगा, मैंने कहा कि अनमोल करा के थे मैं, हां अली इसकी आइज में ब्लड आ गया था ना नमसी,
आ गया था, रेड रेड आइज होगी थी, पेंसिल शार्प साइड से थी, सीधी साइड पे। हाँ बच्चे ऐसे बहुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसने भी छेड़ा, अपने आप बैठा बैठा ऐसे खेल रहा था, खुजली करता, खुजली करते सुनते हैं जब बोलते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tutu. Happy birthday to you. ये तो लवी नमसी खाएगा, नमसी खाएगा ना चॉकलेट, आधी नमसी को दे दियो, आधी नमसी को। अरे पहले अनमोल को तो खिला दे। अरे देख खा के देख, बहुत टेस्टी है। का लेगा फोन का कुत्ती पाई, कुत्ती पाई, कुत्ती पाई है तू, इधर को कलाकारी कितन, तू भी जावे आपके थे। ये तो हमारा गिफ्ट है, गिफ्ट है, ये तो हमारा गिफ्ट है। हाँ ये बताल का ले गए थे, ये बच्चा आपका नहीं है, ये हमारा है, कित तो ये मेला गिफ्ट है। कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।